मैं हूं संतोष निगम, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइस शुरुआत करेंगे आज के वीडियो को, जो भी लेवल्स कल हमने वो डिस्कस किए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के साथ में। सो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि डे लो के नीचे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का फ्यूचर जो है वो बेयरिश होने वाला है और उसी हिसाब से हम लोग को प्लान करना था। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर से गैप डाउन होती है तो हम लोग को साइडवेज वाला छोटा मोटा मोमेंटम देखने को मिलेगा मार्केट में, लेकिन से अगर गैप अप ओपनिंग अगर हम लोग को मिल जाती है एंड देन डे लो चला जाता है तो हम लोग को एक अच्छे से रैली देखने को मिलेगी। सो जो भी रैली हम लोग को यहाँ पे मिली है वो आप लोगों की आंखों के सामने है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को पी में मिला है बैंक निफ्टी के। निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न बना था, 16,030 के नीचे इसे शॉर्ट करना था, इसमें भी हम लोग को लेवल वन का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। और अगर मैं प्रीमियम सर्विसेज के बारे में बात करूँगी तो दो SLs जो है वो मेरे हिट हो चुके हैं और कई सारे अच्छे कॉल्स भी हम लोग ने ट्रेड की है। सो अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो ओके टाइप की परफॉर्मेंस आज के दिन में रही थी हम लोगों की। जो भी पैसा बना वो सिर्फ बैंक निफ्टी के पी में बना और स्टॉक ऑप्शंस में भी एवरेज टाइप का पैसा हम लोग को यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। सो जो भी स्टॉक्स आप लोग को यहाँ पे दिख रहे गाइज, ये सारे के सारे आप लोगों के स्टडी करने के लिए बहुत ही अच्छे खासे स्टॉक्स है चार्ट रीडिंग के लिए, तो आप लोग जाकर के इन्हें भी अपने चार्ट्स पे लगा करके चार्ट रीडिंग कर सकते हैं ताकि कुछ एनालिसिस आप लोगों का इसमें से हो जाए। और दोस्तों अगर से आप लोग बात करेंगे जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स कल के दिन में हम लोगों ने शेयर किए थे, डिस्कस किए थे उसके एनालिसिस के साथ में, तो देख लीजिए इसमें से पहली थी बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो ने यहाँ पे लेवल 2 दिया है, यहाँ कहीं भी आप लोगों ने एंट्री ली थी लेवल 1 लेवल 2 इसने आप लोगों को दिया है, यानी कि इसके सी में अच्छा प्रॉफिट बना है। और स्टॉक जो था वो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज कंप्लीटली था, लेकिन फिर भी हम लोग को जो एक्सपेक्टेड लेवल्स थे वो इसने दे दिए हैं। जो दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक आज के दिन के लिए मैंने डिस्कस की थी, कल ही आप लोगों को बोला था कि रिलायंस का मूव जिस साइड में जाएगा उस साइड में हम लोगों को मार्केट का मोमेंटम जो है देखने को मिलेगा। सो 5 मिनट की पहली कैंडल 2427 मैजिकल लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था, यही से रिजेक्शन लेकर के रिलायंस का स्टॉक नीचे गिरा और रिलायंस के पी में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक आज के दिन के लिए हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी ACC की। ACC में हम लोगों को यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे बाई मिला था एंड देन यहाँ पे इसने लेवल 1 दिया, देन नीचे आने के बाद में फिर से और ऊपर आप लोगों को लेवल 1 इसने दिया था। सो इसकी सी में ACC की हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों 251 एपिसोड्स तक जो मैं एक्यूरेसी क्लेम करता हूँ मेरे थंबनेल पे 99% की, वो आज भी बरकरार है यूट्यूब कॉल्स पे। जो भी 3 कॉल्स आप लोगों के साथ में एक दिन एडवांस में मैं शेयर करते रहता हूँ। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी यूट्यूब चैनल रहेगी जो आप लोगों के साथ में इस टाइप की एक्यूरेसी एक दिन एडवांस में शेयर करती रहेगी। सो नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। बात करें कल के दिन की पहली ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, वो रहेगी इंडिगो की। सो इंडिगो में अगर हम लोग देखेंगे गाइस तो देख लीजिए हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर ये गिर जाता है, एंड ऑफ द डे अच्छा वॉल्यूम भी इसमें एंटर हो चुका है, तो 1730 के नीचे ये बेरिश है, 1724 14 और 1700 डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1743 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर यहाँ से ये बाउंस बैक हो जाता है तो 1743 के ऊपर बुलिश है, 1750 62 75 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1730 ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों हम लोगों ने अपनी एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन है वो आज गुरु पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पे लॉन्च की है, आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नेम ऑब्वियसली बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स है, सो आप लोग कर सकते हैं वहाँ पे जाकर के जो फ्री वाला कंटेंट है उसे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई सारा फ्री वाला कंटेंट जो है वो मैं और आप लोगों के लेकर के आने वाला हूँ। सो अगर से आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन तो ज़रूर कर दीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को लाइव मार्केट की अपडेट की जो नोटिफिकेशन है वो भी आपके मोबाइल पे मिलते रहेंगे। चाहे आप लोगों का टेलीग्राम जो है वो म्यूट हो या फिर अनम्यूट हो, आप लोगों को वहाँ पे डायरेक्टली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पे मिलते रहेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया इंडिगो के बारे में, इंडिगो का इंपॉर्टेंट लेवल या फिर ट्रेड सेटअप्स के बारे में अगर हम लोग बात करने जाए जो नॉर्मल लॉजिकल है, तो अगर से ये आप लोगों को 5 मिनट टाइम फ्रेम का कोई कैंडल है जिसके ऊपर हम लोग को बाई करना है, तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगली कैंडल जब इसका हाई ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को ट्रेड करेंगे। इन केस अगर ये हम लोग का स्टॉप लॉस है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को ट्रिगर करेंगे। साथ में जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे, सारे के सारे फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है। इसका मतलब ये है कि अगर से आप लोग एक फ्यूचर या फिर ऑप्शन ट्रेडर है तो आप लोग उन्हें भी अपने रडार पे रख सकते हैं सेम लेवल्स के साथ में। अगर
आप लोग ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पर ट्रेड करने की सेटअप्स और लॉजिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। कल के दिन की दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक रहेगी आयशर मोटर्स की। आयशर मोटर्स ने भी बहुत ही साइडवेज वाला हम लोग को मोमेंटम दिया है और हम लोग को यहाँ से अगर रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट फेस होता करता हुआ दिख रहा है। सो वो डाउन साइड का ट्रेंड लाइन ये ब्रेकडाउन देने में कामयाब हो जाता है तो 2960 के नीचे ये वीक रहेगा। 947, 930, 910 हमारे डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे तो 2978 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर ये यहीं से बाउंस बैक कर जाता है तो 2978 के ऊपर बुलिश हो जाएगा। 88,000, 3,022 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे तो 2,960 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जो कल के दिन की तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक होने वाली है वो रहेगी टोरेंट फार्मा की। अब अगर इसके पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे तो देख लीजिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि रेजिस्टेंस है, डाउन साइड से एक सपोर्ट है, एंड ऑफ द डे वॉल्यूम भी एंटर हो चुका है। अगर ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड में इसने ब्रेकडाउन दे दिया तो 1,480 के नीचे वीक है, 475, 468, 458 डाउन साइड के लेवल्स है तो 490 हमारा स्टॉप लॉस है। इन केस यहाँ से अगर बाउंस बैक कर जाता है तो 1,490 के ऊपर बुलिश है, 95, 1,506 और 518 हमारे अपसाइड के लेवल्स है तो 1,480 स्टॉप लॉस है। अब दोस्तों जो भी लेवल्स मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ वो सारे के सारे अगर आप लोग लिख के रख रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। यानी आप लोगों को अपने चार्ट्स पे ड्रॉ करके रख देना है ताकि लाइव मार्केट आवर्स में जब कभी भी इसमें पैटर्न्स बने तब आप लोगों को उसे कैच करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो सकती है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे निफ्टी के कल के दिन के प्रेडिक्शन के बारे में तो देख लीजिए मुझे यहाँ पे डे लूज आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी में एक इमीडिएटली सपोर्ट जो है निफ्टी के फ्यूचर फेस करेगा। सो डे लूज आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसे ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे चला जाएगा, वरना कल का दिन का जो हीरो जीरो का कॉल होने वाला है हम लोगों का वो सी में हो जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा है। हम लोगों को यहाँ से बाउंस बैक जो है वो निफ्टी के फ्यूचर पे डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। सो डे लूज आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग जो भी अपना प्रेडिक्शन है वो बना करके चल सकते हैं और जो भी अगर उसके रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आप लोगों को जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएगा। निफ्टी के फ्यूचर के लेवल्स हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि अगर आप लोग के पास में अच्छा कैपिटल है तो आप लोग फ्यूचर पे ट्रेड कर सके और अगर आप लोग ऑप्शन बायर है तो भी ब्रेकआउट पे यहाँ पे वॉल्यूम देख करके ट्रेड कर सकते। 16,330 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है, 72, 112, 157 और 221 हमारे अपसाइड के लेवल्स है तो 15,970 के नीचे ये वीक है, 927, 882, 830 और 773 हमारे डाउन साइड के लेवल्स है। बात करेंगे बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लेवल्स के बारे में, पहले एक बार इसका जाकर के प्रेडिक्शन हम लोग देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन इसका किस हिसाब से चला। सो जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग को यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल पे बताया था कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। सो हम लोगों को गिरावट वाला मोमेंटम मिल रहा है और यहाँ से जो सपोर्ट दिख रहा है वो भी 100-150 पॉइंट इससे दूर है। सो डे लो के नीचे हम लोगों को एक 100-200 पॉइंट्स का मोमेंटम जो है वो डाउन साइड में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पे। सो अगर यहाँ इसके लेवल्स के बारे में बात की जाए तो 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है, 35,085, 170, 287 और 417 हमारे अपसाइड के लेवल्स हैं तो 34,900 के नीचे बैंक निफ्टी का फ्यूचर वीक है, 823, 732, 646 और 514 हमारे डाउन साइड के लेवल्स होने वाले बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लिए। सो ये थे हमारे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स गाइस, जिसकी एक्यूरेसी 99% की चल रही है एपिसोड नंबर 251 तक। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हम लोगों ने साथ ही डिस्कस किए निफ्टी बैंक निफ्टी के मेरे मैजिकल लेवल्स को भी। सो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग फ्री में लर्न कर सकते हैं, मेरे पेड कोर्सेज भी वहाँ पे हैं उसके बारे में आप लोग जानकारी वहाँ पे जाकर के ले सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और कमेंट नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।